वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं। वो किधर है महाराज? बाबू महाराज किधर है? उधर बैठा है बालकनी में। बैठा है वो? नहीं, ऊपर। अरे वो बैठा ही आधे घंटे से, वो नींदों में बैठा है। बात नहीं तो पकड़ ले इसको, मैं ले आऊंगी। तो गाइस अभी बता दूं, 9:15 बज रहे हैं और तुम्हारे भाई ने ब्रेकफास्ट बना के रेडी भी कर दिया। और ब्रेकफास्ट में बनाया है पपीते की सब्जी, ये देख सकते हो आप। और आज मैंने रोटी बनाई है थोड़ी सी स्पेशल, ये देखो, ये है हमारी मेथी वाली रोटी। तो ये है नोना की रोटी। एक्चुअली नोना की थोड़ी पतली होती है मुझसे। मौसम मस्त हो रहा है, अजीमो शान शहंशाह, मतलब धूप निकल रही है लेकिन बादल भी हो रहे हैं। हाँ, मेरी शक्ल देख लो ना, तुमको धूप का एहसास हो जाएगा कितनी गर्मी हो रही है। आता भी नहीं है मेरा बच्चा, इसमें थोड़ा बड़ा मंगाती यार। मैं आपसे नाश्ता करके मिलती हूँ क्योंकि आपको मेरी हालत दिख रही होगी, ये देखो पसीने, ये देखो पसीने, क्योंकि मैं अभी जस्ट ब्रेकफास्ट बना के आई हूँ। तो मैं आपसे नाश्ते करने के बाद मिलती हूँ। चुपचाप खा लो, मुंह में बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वरना रैपट रैपट पड़ेंगे। यही खाना है तुमको, लौकी, तौरी, पपीता, घिया, घिया तो लौकी होती है, यही खाना है तुमको सब, टिंडे, हरी सब्जी, यही खाना है तुमको। आलू नहीं है, आलू तुम्हारी जिंदगी से कट चुके हैं, आलू में कांटा लग चुका, डोंट्स में आ गया आलू। अब ये डूज है और डोंट्स में आलू चला गया, नहीं कर सकते तुम उसको, खा नहीं सकते, सॉरी गाइस। ये वाली दवाई थी, सॉरी मैं कल दिखाना भूल गई थी, जो हम लेके आए हैं एम टू टोन सिरप, एक ये है और एक और दवाई थी यार, रुको मैं नाम बताती हूँ। कमला चंद्र सा कुछ है, कमला सा कुछ है। गूगले गूगले पता नहीं, जल्दी करो, देखो पसीने टपक रहे हैं जान मेरे। ये है कचनार गुगले। हाँ, कचनार गुगले, ये एक होम्योपैथिक दवाई है, वो भी आई नहीं, वो मेरी शाम तक आएगी। और एक ये है एम2टोन, ये मैं बहुत पहले भी लेती थी। तो गाइस डुगू ने देखो कर दिखाया आज को, आजकल आपको पता है कि मार्केट में एक टेप अवेलेबल है अमेज़न पे, जिससे आप ग्रिप टेप या फिर नैनो टेप बोलते हैं इसको, yes. इससे ऐसे आप ना बॉल बना सकते हो। तो हम काफी, मतलब मैंने कितने एक महीने से ऊपर हो गया, मैंने मंगाई हुई है महीने से भी, दो महीने से ऊपर। उसको देख लो, स्ट्रॉ लेके आ गई, ये भी बनाएगी। ना बनती नहीं थी, तो पहले हम ये जो प्लास्टिक वाली स्ट्रॉ रहती है ना, ये वाली इससे बनाते थे, तो इससे बनती। दो उसकी स्ट्रॉ दे दो, ये ले स्ट्रॉ अपनी पकड़ो। फिर उसके बाद हमने, मेरे को आइडिया है, मैंने कहा यार ये वाली स्ट्रॉ मंगाई थी इससे बनाते हैं। तो इसको क्या करना है ना, ऐसे टेप आएगी, इसमें से ऐसे थोड़ी सी टेप फाड़ लेनी है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको इसको ना ऐसे यहाँ से बराबर से इसको चिपका देना, जो मैंने कल चिपका दिया, ठीक है। और इसको लगा देना इसके बीच में ऐसे करके, ये आपने YouTube शॉर्ट से बहुत ट्रेंड चला था इसका, ठीक है। इसको कर देना यहाँ से बंद अच्छे से, फिर इसके ऊपर एक और लेयर होती है, उसको हटाना है, पन्नी हटानी है बेसिकली, ठीक है। ये ऐसे करके ऐसे ये लेयर निकाल देना, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसको फूंक देनी है। क्या हुआ ये? ये बिगड़ गया थोड़ा बहुत गाइस, लेकिन मैंने बनाया था, आप मेरा विश्वास करो। ना मैं ट्राई करती हूँ। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जो साहिब है ना, यार शीशे में से देखिएगा कैसे, ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं जहाँ पे डुगू ये कर रहे हैं रस्सी से, ऊपर से ये ओपन है, तो यहाँ से बाहर निकलने लग गया था। और लिटरली दो बार उसने बाहर जाने की कोशिश की है, तो हम थोड़ा डर गए थे उसके बाद। तो अभी डुगू इसको रस्सी से पूरा ऊपर वाले जो रॉड है उसमें कवर कर रहे हैं, ताकि वो यहाँ पे चढ़े इस पर कूद ना पाए। बहुत शातिर है क्योंकि ये मेरे बेटा, देखो कैसे मेहनत करता हुआ। नहीं बेटी मेहनत करते हुए, और मैं आपको दिखा दे साहेब, शैतानी बहुत आ रही है ना, बहुत शैतानी आ रही है ना आपको करनी। मना किया था ना उसको नहीं फाड़ना है, मना किया था कि नहीं साहेब, मना किया था ना मम्मी ने, मना किया था ना नहीं करना ऐसा कुछ भी। अभी कटिंग में चल रही हूँ आजकल, मेरे को पैम्परिंग मिलेगी बहुत ज्यादा। नोना ने भी बोला है कि मैं तेरे को पैम्पर करूंगी, तो आज मेरा पैम्परिंग डे है, तो मेरे को पैम्परिंग मिलेगी। और ये बहुत ज्यादा परेशान है बाहर जाने के लिए, क्योंकि इसको बाहर कूदना है। भेजू तेरे को बाहर, अभी मैं भेजू है, मेरे को मस्का मार रहा है कि बालकनी का दरवाजा मैं खोल दूं यहाँ से, पर मैं नहीं। तो शेफ पायल बत्रा रेडी हो चुके हैं अपने बैग के साथ, और शेफ पायल बत्रा जा रहे हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स लेने, क्योंकि आज शेफ पायल बत्रा बनाने वाले हैं पनीर मखनी विद राइस और रोटी एंड समथिंग एल्स। राइस नहीं बनेंगे, राइस आई कांट ईट, यू नो,
आई कैन ओनली ईट ब्राउन राइस. अच्छा या गो टू हैव. ए ए जाऊंगी मैं. अंग्रेज की लगती इधर आ. तू पनीर भी नहीं खा सकता बाबू. पनीर अंदर डाल के तो खा सकती हूँ. अंदर डाल के बाहर डाल के कैसे भी नहीं खा सकती तू. सब्जी डाल के खा सकती हूँ. और सुन, पनीर मखनी बनाने के लिए मक्खन का यूज मत करना. ना घी, ना तेल, ना रिफाइंड, ना थिंग, कुछ भी नहीं. अब देख ले पानी में किस तरह बनावेगी तू. मुझे तो पता नहीं किस तरह बनावेगी. देख ली अपने आप. और सुन तीजा मेरी बात. आराम ध्यान से जाना. गर्मी हो रही है ठीक है. आराम से जाना और जल्दी आ जाना नाना. क्या चाबी? क्या चाबी? बाहर खड़ी है. कब से? कल रात से. तो दरवाजा कैसे खुला? क्यों तुम कल रात को तुमने चाबी क्या किया था? चाबी बाहर कैसे छूटी यार? कल रात को तो हम वहां गए थे ना मेडिसिन लेने और उधर बाहर. उसके बाद अपन बताओगे तो तुमने चाबी बाहर छोड़ दी थी. नाना तुम पे मैं भरोसा नहीं कर सकती. अब एक दिन तुमने दरवाजा खोला छोड़ दिया था. कभी तुम कुछ कर देते हो. एक दिन तुमने फिर चाबी बाहर लगी हुई छोड़ दी थी. आज फिर तुमने चाबी बाहर लगी हुई छोड़ दी. बाबू चाबियों की जिम्मेदारी लाओ मेरे हाथ में दे दो. साहेब और बनाओ कुत्ता. इसे आपने कुत्ता बनाया था ना. ध्यान से जाना आराम से बिल्कुल. बाबू आप यही काम करते हो. आप किस दिन चोर डकैत पड़वाओगे यहाँ पे. आराम से जाना. जान लगाऊंगी ना अभी. सुन तो चुप रहे. मैं क्या कह रही हूँ सुन तो. एक बार सुन तो. तूने मेरी एक बार भी उस वाले यार क्यों मेरी बात सुन. सिर्फ बर्तन मांज लो यार तुम. मेरी बात सुन. एक बार तो सुन ले. प्लीज यार एक बार सुन ले बस. देख मत करो यार. एक बार बस इस पे हाथ ऐसे हाथ रख. वो नाटक करके दिखा दे. इंजेक्शन जैसे लगाते हैं ना. जैसे इंजेक्शन लगाते हैं उसके नाटक करके दिखा दे. अच्छा तूने मेरे एक बार. तूने एक बार. उंगली मोड़ दी. तूने एक बार भी मेरे जो सर में टाके आए हैं. जो मेरे सर में टाके हुए तूने एक बार भी उन पे हाथ लगाया. अच्छा ठीक है. अच्छा ठीक है. चुप चुप. अच्छा ठीक है. ओके सॉरी सॉरी. नहीं कर रही. सॉरी 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 कर रही हूँ ना. सॉरी सॉरी. टूट जाएगा देख कल की तरह. गाइस मैं तो गाइस मैं सो परेशान कर रही हूँ इंजेक्शन के नाम पे. अच्छा चल व्लॉग शूट. व्लॉग शूट. अच्छा चल व्लॉग शूट. नहीं 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 व्लॉग शूट. व्लॉग शूट तो कर ले. व्लॉग तो व्लॉग तो शूट कर ले. अच्छा दिखा. जान मत कर यार तू. तो हाथ तो लगा के देख रही. कुछ हुआ है क्या? चुप हो जा. चल व्लॉग तो शूट कर ले. ले आप सही रोशनी आ रही है. कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? गाइस देखो बात ऐसी है. अब तू और पास ले आ कैमरा. गन 0.5 है. गाइस देखो बात ऐसी है कि मेरे ना मन लग नहीं रहा. दो दिन से नहीं. आज थोड़ा सा अजीब सा और है. सुबह से ही मेरा मन लग नहीं रहा क्योंकि मेरे मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं. मेरे पेन भी हो रहा है. मेरे पैम्परिंग डे है. पैम्परिंग नहीं मिली. थोड़ी सी मिली है 5% नहीं मतलब 40% मिली होगी. 45% मिली होगी. 55% नहीं मिली जो सच बात है. और नहीं बढ़ेगी बस. 45% मिली है पैम्परिंग. और मुझे बहुत मैं तो दे रही हूँ पैम्परिंग लेने. टॉर्चर किया है. इंजेक्शन वाला पोज बना रही है. बाहर बंदे सब तेरे हाथों पे. मैं तो बाबू तू ना. मैं तो दे रही हूँ पैम्परिंग. मुंह पे खा जाएगा. मुंह पे खा जाएगा तेरे. मुंह पे खा जाएगा. खा 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 ले खा. मत परेशान करो मेरी बेटी को. बहुत ज्यादा परेशान किया है गाइस. इसको पता है कि मेरे को ऐसी बातों से सिचुएशन डर लगता है. बार बार अपने सर में जहाँ पे चोट लगी थी पहले कभी बचपन में टाको वाली पे वहाँ पे हाथ लगवा रही है मुझे. और इंजेक्शन जैसा बोल रही है कि या तो तू मेरे इंजेक्शन लगा या फिर मैं तेरे इंजेक्शन लगाऊंगी. इसने आज मेरे पहले क्यों शुरू किया इंजेक्शन लगा के पिछवाड़े पे. मैं क्यों तूने इंजेक्शन लगाया मेरे पिछवाड़े पे. फिर मेरे को गेम याद आ गया इंजेक्शन इंजेक्शन वाला.
तो अब अपन खेलेंगे एक बार गाइस को। मैं गाइस आप लोग है ना कमेंट में इसको चैलेंज देना कि इसने मेरे जूठी मूठी का इंजेक्शन लगाना है हाथ पे, जो यहाँ वाला इंजेक्शन लगता है ना, इधर वाला इंजेक्शन लगाना है इसने। अब देखते हैं कि ये चैलेंज ये पूरा करती है कि नहीं करती। अगर ये पूरा करेगी तो इसका मतलब ये आप लोगों से प्यार करती है, और अगर ये चैलेंज पूरा नहीं करेगी तो ये आप लोगों से प्यार नहीं करती। नहीं करती मैं ऐसा प्यार। अगर कोई मुझे ये कह दे कि तुमको चिकन खाना पड़ेगा प्यार साबित करने के लिए, तो मैं नहीं करती ऐसा प्यार। प्लीज, चिकन और ये चीज अलग है। तो मुझे डर लगता है उस। देख अच्छा पारू तो करने दे। पारू मामा सुबह से तुमने बहुत परेशान किया है आज मुझे। प्यार तो कर रहे। आपको पता है वो जो वीडियो बनाते हैं ना लोग, वो झूठ मूठ के बनाते हैं। पैम्परिंग डे पे चॉकलेट लेके आ रहे हैं, गर्म पानी लेके आ रहे हैं, फलाना ढिंकाना लेके आ रहे हैं, यार ठंडा पानी भी लेके आता है ये आदमी, बता रही हूँ मैं। वो सब झूठ मूठ का दिखावा होता है। और वो जो इंस्टाग्राम पे चलता है ना, चांसी महबूबा हो मेरी, वो सब झूठ चलता है। और वो एक और नया वीडियो डाला ना कल इस आदमी ने, पता नहीं कौन सा कुछ तो डाला है, मैं रहूंगा। हाँ, ये मैं रहूंगा संग झूठ है, ये सब झूठ है। बन तेरा अब सही मारेगा ये आदमी कि मेरी आवाज अच्छी है। इस जहां में उस जहां में बस एक तू मेरा खुशबू। आप लोगों ने मेरी आवाज की इतनी ज्यादा तारीफ कर दिया कि मैं बांस पे चढ़ गई। अभी उतरने में थोड़ा टाइम लगेगा गाइस। अच्छा कमेंट करके बता देना कौन सा गाना अच्छा लगा था। ये वाला अच्छा लगा था क्या? वादा रहा सनम। ये लगा भी होगा इस मुंह के साथ, अच्छा नहीं लगा। चाहे ना चाहे जमाना बिल्ली हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना। साहिब चला गया आपके पीछे से, मुंह लेके बैठा था, कह रहा मेरे से जरूरत है नहीं है, मेरे बाप ही काफी है बिल्ली के समूह बनाने के लिए। आ गए अपने जिम पे वर्कआउट करने के लिए। ये देख लो जरा, आज जल्दी आए हैं। हाँ आज बाहर देख लो इतने बजे 6:30 के टाइम पे। यस चलो अंदर चलते हैं। अब बताओ जिम में ऐसे नशे वाले गाने चला रखे हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। बहुत मस्ती मजाक हो चुकी है क्योंकि नोना की तबीयत ठीक नहीं है। आई नो कि आपको थोड़ा सा बुरा लगता होगा सुनने में, बट आजकल थोड़ी चीजें चल रही हैं। नोना की तबीयत ठीक हो जाएगी ना जब, क्योंकि तो अभी दवाइयाँ स्टार्ट हो चुकी है, बट थोड़ा फर्क पड़ने में टाइम लगेगा क्योंकि हमने दवाई शुरू की है आयुर्वेदिक, तो वो थोड़ी टाइम टेकिंग होती है। तो एक तो आपने देख ली थी वो, लेकिन एक आज लेकर आए क्योंकि कल ये मिली नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी, तो आज मंगाई है। और इसको आप थायराइड में भी ले सकते हो, मतलब अगर गले में और नाक में कोई गांठ हो ना उसमें भी ले सकते हो, ये आयुर्वेदिक दवाई है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही दवाइयां ले तो ज्यादा बेहतर है, खुद के डॉक्टर ना बने मेरे पति की तरह। तो इसका आई मीन आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं गाइज। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। देखो मैं जैसे कि हमेशा बोलती हूँ कि डेली ब्लॉगिंग मीन्स कि हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है, तो हमारी जिंदगी में जो चल रहा है हम आपको वही दिखाएंगे। कोई भी प्राकृतिक चीज जो है वही दिखाएंगे, कोई भी बनावटी कृत्रिम चीज आपको नहीं दिखाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही था। कृत्रिम यही होता है क्या? बनावटी। अच्छा आई थिंक तो मिलते हैं गाइज जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल, I love you so much. Tata, bye bye, good night. और यशस व्लॉग पे 100 के सेलिब्रेशन अभी बाकी है तो थोड़ा सा वेट करो, जल्दी सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन उससे पहले यशस व्लॉग पे क्या हो गया, आप लोगों को इतने डीले क्यों पड़ गए हो? 248 के बस, 250 के भी नहीं हुए भाई, 300 कब होंगे? इतना टाइम क्यों ले रहे हो? जल्दी जाओ फटाफट से सब्सक्राइब करो गाइस। टाटा बाय बाय गुड नाइट। हम सुबह 5 बजे से हॉस्पिटल गए हुए थे और 2 हॉस्पिटल चेंज किए हैं। एक जगह से डुगो को बिल्कुल आराम नहीं मिला, फिर दूसरी जगह दूसरे हॉस्पिटल गए, फिर वहाँ पे डुगो को इंजेक्शन लगे,
तब जाके इनको आराम हुआ है। और मतलब रात को इनको पेन था 11 बजे के आसपास, लेकिन तब ठीक हो गया था। फिर सुबह 3:30 बजे से पेन होना शुरू हो गया। और अभी मैं बता दूँ टाइम, ये देखो इतना हो रहा है। ये इनके मेडिसिन हैं जो भी और लिए हैं। अभी कैसा लग रहा है? अभी भी हो रहा है।